पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती थी। पुलिस वालों पर पेट्रोल बॉम्ब से हमले, सैकड़ों लोग घायल। नू में आखिर क्या हो रहा है? नू में हिंसा कहां से शुरू हुई और अब तक क्या क्या हो चुका है? 31 जुलाई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ने नू के नलहर में एक शिव मंदिर की ओर जाने के लिए एक यात्रा का आयोजन किया। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया, उस वक्त यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव और पेट्रोल बॉम्ब और लाठी डंडों से हमले किए गए। देखते ही देखते हिंसा ने खतरनाक रूप ले लिया। इस हिंसा में 2 होमगार्ड कर्मियों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई वाहनों में आग लगा दी गई। एक अधिकारी ने कहा कि एक अफवाह थी कि मन्नू मानेसर, एक गौरक्षक और बजरंग दल का सदस्य, जिस पर फरवरी में भियानी जिले में 2 मुस्लिम पुरुषों की हत्या के लिए मामला दर्ज किया गया था, वो भी जुलूस में शामिल होगा। 1 अगस्त गुरुग्राम में अशांति फैल गई, जहां एक मस्जिद को तोड़ दिया गया और एक मौलवी की हत्या कर दी गई। नू जिले और गुरुग्राम में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। सोशल मीडिया ने भी हिंसा को भड़काने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से नू और फरीदाबाद में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। नू जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ संघर्ष की खबरों के बाद गुरुग्राम के सोहना इलाके में भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के 4 वाहनों और एक दुकान पर पथराव किया और आग लगा दी। वहाँ प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक एक मार्ग को रोका, धारा 144 लगा दी गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्कूल और कॉलेज बंद रखने को कहा गया। पुलिस ने झड़पों में शामिल 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अगस्त हरियाणा के नू जिले में चौरू में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 2 मस्जिदों पर हमला कर दिया। हरियाणा सरकार के अनुसार हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 116 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 90 लोग हिरासत में हैं।